गुड मॉर्निंग एवरीवन, अवर स्कूल इज स्टार्टिंग ऑनलाइन क्लासेस एंड आई विल बी टेकिंग क्लासेस फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट एंड टुडे आई विल टीच यू लेसन 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। सो लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 48 पॉइंट नंबर 8। अभी तक अपन ने जो अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में थोड़ा बहुत अपन ने पढ़ लिया, कब इनका जन्म हुआ, कैसे इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते, कैसे इन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी, अब अपन उसके आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 8, इन 1900 एट द एज ऑफ 21, यानी कि सन 1900 में जबकि अल्बर्ट आइंस्टीन 21 साल के थे, अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। अब 21 साल के जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट तो हो गए थे, उन्होंने स्टडी कंप्लीट कर ली थी, बट अनएम्प्लॉयड थे यानी कि उनको कोई भी काम नहीं मिला था। ही वर्क्ड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। इसके बाद क्या हुआ था, जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे ना, उन्होंने क्या किया था सन 1902 में एक असिस्टेंट टीचिंग मतलब प्राइवेट टीचर की तरह अपनी जॉब उन्होंने करी थी। कहाँ पर, जो बर्न था ना, पेटेंट में करी थी उन्होंने जॉब। पेटेंट का मतलब क्या होता है, जब हमें किसी भी चीज़ का इन्वेंशन करना पड़ता है तो उसकी जो हमें डॉक्यूमेंट्स में पहले बताना पड़ता है उसको हम पेटेंट बोलते हैं। व्हाइल ही वाज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल इन्वेंशन, आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट द वर्क ऑफ ब्यूरो ऑफ थ्योरिकल फिजिक्स। यानी कि इसके साथ साथ क्या हुआ था, जो अल्बर्ट आइंस्टीन थी वो अपना असिस्टेंट टीचिंग की जॉब भी कर रहे थे और साथ ही साथ में वो कुछ अपना सीक्रेट वर्क भी कर रहे थे, जिसका नाम था ब्यूरो ऑफ थ्योरिकल फिजिक्स, यानी फिजिक्स के रिलेटेड कोई थ्योरी वो अपनी बना रहे थे। वन ऑफ द फेमस पेपर्स इन 1905 वॉज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि सन 1905 में जो पेपर होता था उनमें उनकी थ्योरी आई थी जो रिलेटिविटी पर थी। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, उनका मानना था कि जो समय और दूरी होती है वो एक दूसरे से मेल नहीं खाती है। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे केम कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर। उनका मानना था कि अगर अपन दो घड़ियों की बात करें जो क्लॉक होती है वो भी अगर अपन उनको साथ में भी चालू करेंगे तो वो कभी भी एक साथ नहीं चलती है। फ्रॉम द फॉलो द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यानी कि ये जो फॉर्मूला है वो आइंस्टीन ने बनाया था। अब आप अपने साइंस के टीचर से इसको डिटेल में समझ लो। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, यानी कि जब क्या हुआ था फिजिक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी जब आइंस्टीन सॉल्व कर रहे थे, his private life was unravelled, यानी कि जो उनकी पर्सनल लाइफ थी वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। अल्बर्ट हैड वॉन्टेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी, यानी कि अपन ने पढ़ा था ना कि उनको एक उनकी दोस्त मिली थी जिसका नाम था मिलेवा मैरे, उससे वो शादी करना चाहते थे जैसे ही उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी जो माँ थी वो इसके खिलाफ थी। सी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, क्योंकि उनका मानना था कि जो वो लड़की से शादी करना चाहती थी वो आइंस्टीन से क्या थी 3 साल बड़ी थी, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, जो कि उससे ज़्यादा बड़ी थी। सी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवा इंटेलिजेंट, और साथ ही साथ उनको पता था कि जो मिलेवा नाम की जो लड़की थी वो शादी करना चाहती है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे जिसके कारण उनकी माँ उससे परेशान थी। सी इज अ बुक लाइक यू हिज मदर सेड आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, अब मम्मी की अपनी ऐसी बातें सुनकर उनकी आइंस्टीन है जो उन्होंने अपनी शादी को थोड़े दिनों के लिए रोक दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, अब जो वो पेयर था उन्होंने क्या किया जनवरी 1903 में शादी कर ली एंड हैड 2 sons, और उनके क्या थे 2 बच्चे भी थे। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ समय बाद द मैरिज फैल्टर्ड, जो उनकी शादी थी वो पूरी तरीके से खराब हो गई। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन ऑफ बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, जो मिलेवा की जो इंटेलेक्चुअल एंड कहें कि थोड़ी बुद्धि थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी, और जो हाउसवाइफ होती है वो एकदम मतलब अनहैप्पी थी, वो खुश नहीं थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, अब वो जो आइंस्टीन थे और उसकी वाइफ जो मिलेवा थे वो क्या करते थे कॉन्स्टेंटली यानी कि लड़ते रहते थे। द
द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1990, यानी कि जो क्या हुआ, उनकी जो वाइफ थी उनका दोनों का डिवोर्स हो गया 1919 में। आइंस्टीन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर, और आइंस्टीन ने अपनी कजन एल्सा से उसी साल में दूसरी शादी कर ली। आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसिडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम इन 1915। अब जो आइंस्टीन था उन्होंने कोइंसिडेड एक उनका वो था जिनका उनको प्रयोग करना था, तो 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रूव बाय अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। अब ग्रेविटी का नियम आपने सुना होगा ना, गुरुत्वाकर्षण का बल, कि पृथ्वी पर कुछ ऐसा होता है जिसके कारण जो चीजें होती हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आ जाती हैं। जब आप कोई चीज फेंकते हो तो वो ऊपर ही नहीं जाती है, नीचे जाती है, वो रूल्स होता है ग्रेविटी का, जो उन्होंने 1915 में पब्लिश किया था। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट। अब 1919 में जो सूर्य ग्रहण होता है ना, उसके कारण वो सारी चीजें सही साबित हुई। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटिकल फील्ड, यानी कि उनका मानना था कि जो चंद्रमा रहता है और जो स्टार्स रहती है वो उसके कारण क्या होता है, ग्रेविटी के कारण कोई चीज होती है जो उनके बीच में आ जाती है जिसके कारण सूर्य ग्रहण लग जाता है। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हैज बर्कर साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, और न्यूज़पेपर में उन्होंने कहा कि जो साइंस की जो क्रांति बोले, कि जो साइंस के नए नए इन्वेंशन आइंस्टीन ने किए हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है। आइंस्टीन रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921, यानी कि नोबेल प्राइज उनको 1921 में मिला। ही वॉज सोवर्ड विद ऑनर एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लोडेड बाय द प्रेस, और सारे उनको पूरे देशों से बुलाया गया, उनको मतलब कि बहुत ज़्यादा ऑनर यानी सम्मान मिला गया। साथ ही साथ जो प्रेस वाले होते हैं ना, जैसे कोई उपलब्धि मिलती है तो न्यूज़पेपर वाले प्रेस वाले आ जाते हैं, तो सब ने क्या किया, उनकी बहुत प्रशंसा की। When the Nazis came to power in Germany in 1933, यानी कि 1933 में एक नेजिस नाम के जो कोई वहाँ का प्रेसिडेंट होंगे, जब उनको जर्मनी का पावर मिला, आइंस्टीन इमिग्रेट टू द यूनाइटेड स्टेट। तो आइंस्टीन कहाँ थे, यूनाइटेड स्टेट में थे, तो तभी उन्होंने यूनाइटेड स्टेट को छोड़ दिया। 5 years later, यानी कि 5 साल बाद, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in the abroad, यानी कि उसके बाद क्या हुआ, जो क्या हुआ था, न्यूक्लियर बम, यानी कि बर्लिन में जो न्यूक्लियर बम बनने वाला था उसके बारे में आइंस्टीन को पता लगा। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिस, अब बहुत से लोग क्या थे, उस जगह से भाग गए थे। जस्ट एज आइंस्टीन हैड एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नेजीज़ कुड बिल्ड एंड यूज द एन एटॉमिक बम, और उसी समय आइंस्टीन को पता चला था जो नेजीज़ करके एक विदेशी देश है वहां पर वो एटॉमिक बम बनाने वाले हैं। At the urging of a colleagues, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt. अब क्या हुआ, अपने कलीग्स यानी कि जो उसके साथी थे उनको बहुत ज़्यादा आग्रह करने पर, उनसे विनती करने पर, आइंस्टीन ने वहाँ के प्रेसिडेंट जो कि थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनके लिए एक लेटर लिखा 2 अगस्त 1939 को, इन विच ही वॉर्न, जिसमें उन्होंने कहा अ सिंगल बॉम्ब ऑफ इस टाइप, अगर जो एटॉमिक बॉम्ब बन रहा था, अगर ऐसा किसी भी प्रकार का बॉम्ब बना, एक्सप्लोडेड इन द पोर्ट माइट हैव वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ सराउंडिंग टेरिटरी, यानी कि ऐसा कोई बॉम्ब अगर बना और अगर पृथ्वी पर कहीं पर गिरा तो जितने भी बंदरगाह हैं वो तो सारे नष्ट हो जाएंगे, साथ ही साथ उसके आसपास की जो टेरिटरी यानी कि क्षेत्र है वो भी पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। His words did not fail to have an effect. उनके words थे, उनसे मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने effect छोड़ा। The Americans developed the atomic bomb. अब Americans ने सोचा कि हम भी चलो atomic bomb बनाते हैं, तो इन्होंने भी atomic bomb बनाया। In a secret project of their own and dropped in the Japanese city of Hiroshima and Nagasaki in August 1945, और 1945 में जो अमेरिकन थे उन्होंने जापान में हिरोशिमा नागासाकी करके एक जगह है वहाँ पर क्या किया, एटॉमिक बॉम्ब फेंक दिया। आइंस्टीन वॉज डीपली सेकन बाय द एक्सटेंट टू द डिस्ट्रक्शन, अब आइंस्टीन जो थे वो पूरी तरीके से हिल गए कि मैंने तो इनको जानकारी बताई थी, बट इन्होंने क्या किया, वो बॉम्ब को ले जाके और उसको ही फेंक दिया। This time he wrote a public missive to the United Nations. फिर उन्होंने एक लेटर यूनाइटेड नेशन को लिखा
In it, he proposed to formation of the world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. But over the next decade, Einstein got ever more involved in political agitating for an end to the armed build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. अब उन्होंने कहा कि मैंने इनको बढ़िया लेटर में अच्छे से समझाया था कि जो बॉम्ब है वो बनाओगे, बाय चांस वो बॉम्ब आपने फेंका तो उसके कारण क्या होगा, बहुत सारा नुकसान होगा, बहुत सारे लोग मरेंगे और बहुत सारी जगह पर तबाही हो जाएगी, बट इन्होंने फिर भी क्या हुआ, मेरी बात नहीं मानी। फिर उन्होंने क्या किया, वो पॉलिटिकल पार्टी में आ गए। पॉलिटिकल पार्टी में पहले से ही पॉपुलर तो बहुत ज़्यादा थे क्योंकि साइंटिस्ट थे, इसीलिए बहुत सारे लोगों को इनको सहयोग मिला, इसीलिए पॉलिटिक्स में आ गए, यानी कि राजनीति में आ गए। When Einstein died in 1955, Einstein जब मृत्यु हुई थी 1955 में, तब उनकी एज थी 76. He was celebrated as a visionary and world citizen as a much of scientific genius. उस टाइम सब लोग कैसे सेलिब्रेट करते थे कि जो आइंस्टीन थे वो एक तो साइंटिस्ट थे, इसीलिए सारे सब लोग उसको साइंस के दिन से सेलिब्रेट करते हैं। तो इस चैप्टर में अपन ने पढ़ा अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, जो कि उनके जितने भी टीचर्स थे, उनकी जो माँ थी वो सोचती थी कि आइंस्टीन क्या है, एबनॉर्मल, यानी कि उनका जो सिर था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो ये क्या करेंगे अपनी लाइफ में। साथ ही साथ उनके टीचर्स क्या सोचते थे कि इसको कुछ आता नहीं है तो आगे जाके प्रोफेशन में अपना क्या करेगा, लेकिन उसने क्या किया, उसमें डिटर्मिनेशन था, किसी भी चीज़ को करने का हार्ड वर्क था, तो उसने क्या किया, साइंटिस्ट बना और बहुत सारी चीज़ों की उसने क्या किया, इन्वेंशन किया। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। थैंक यू।